एरोमेटिक करेक्टरिस्टिक्स एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर। अब हम लोगों ने जनरली जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हमारी क्लास में पढ़ रहे हैं वो तीन तरीके के पढ़ रहे हैं। पहला जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो क्या है, फ्यूरेन, ठीक है। दूसरा क्या देखा था हम लोगों ने, पायरोल। दूसरा जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, पायरोल। और तीसरा जो था, एक और क्या था तीसरा, फाइव मेंबर थायोफिल। कल हमने इन तीनों की बात करी, फ्यूरेन, पायरोल और थायोफिल। तीनों जो होते हैं इनको यदि देखें तो इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, तो फ्यूरेन के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ईथर होता है, पायरोल के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एमीन होता है, और थायोफिन के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सल्फाइड होता है। ये इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप से पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं उसकी तरफ से, जब हम फ्यूरेन का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, यहां पे क्या है कार्बन है, यहां पर भी क्या है कार्बन। यदि ईथर का देखें तो आर ओ आर, यदि इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखूं तो सी एस थ्री ओ सी एस, कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन है, तो यहां पर भी क्या है कार्बन कार्बन के बीच में क्या है ऑक्सीजन, इसमें ईथर वाला फंक्शन हो। एमीन, यदि एमीन की बात करें तो यहां पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, किसको लिख रहे हैं पायरोल। एमीन में क्या होता है, आर एन एच टू प्राइमरी एमीन, आर एन एच आर सेकेंडरी एमीन, और आर एन आर आर टर्शियरी एमीन। तीन तरीके के एमीन होते हैं। तो यहां पे देखें हम तो यहां पर क्या है कार्बन है, यहां पर कार्बन है और यहां पर नाइट्रोजन, तो इसको देखो आर आर एन एच, आर आर एन एच। तीसरा थायोफिन, थायोफिन को देखें तो उसके अंदर कौन सा फंक्शन ग्रुप आता है, सल्फर आ रहा है, ये सल्फाइड जैसा दिखाई देता है, सल्फाइड यानी थायो ईथर जिसको हम बोल सकते हैं, आर एस आर। तो इस तरीके से जो तीन हम लोगों ने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करी, तीनों में फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, एक में ईथर होता है, एक में एमीन होता है और एक में सल्फाइड्स होता है, ठीक है। अब ये फंक्शनल ग्रुप इनके अंदर पाए जाते हैं, इन फंक्शनल ग्रुप होने के बाद भी इनकी जो रिएक्शंस है, इनकी जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी या रिएक्शन किसके जैसे हो जाती है, तो इनकी रिएक्शन या इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो इन ग्रुप के जैसी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि इनमें करेक्टर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं एरोमेटिक करेक्टर। अब वो एरोमेटिक करेक्टर क्यों आया उसकी तरफ भी हम चल रहे हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक करेक्टर आने का क्या कारण है, जिसके कारण यह अपनी रिएक्शंस को ही चेंज कर देता है, ठीक है। अब अपनी रिएक्शन को क्यों चेंज कर रहा उसकी तरफ चलते हैं, हम बात करते हैं इनके हीट ऑफ कंबशन, हिंदी में बोले तो दहन की उष्मा, हीट ऑफ कंबशन यानी दहन की उष्मा। अब इन सबके दहन की उष्मा की बात करते हैं और इनकी रेजोनेंस एनर्जी भी वही है। पहले बात कर रहा हूं मैं फ्यूरेन की, फ्यूरेन की जो हीट ऑफ कंबशन होती है वो 16 किलो कैलोरी पर मोल। दूसरा होता है पायरोल, इसकी जो होती है वो 21 किलो कैलोरी पर मोल। नेक्स्ट होता है थायोफिन, 29 किलो कैलोरी पर मोल। और सबसे जो अच्छा एरोमेटिक कंपाउंड है बेंजीन, उसका होता है 36 किलो कैलोरी पर। तो इन सब की जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, अनुनाद स्थायीकरण ऊर्जा, देखें तो ये 36 बेंजीन की है, इस बेंजीन के कंपेयर में वैसे तो कम है, हीट ऑफ कंबशन कम है,
और ये कह सकते हैं कि इस हीट ऑफ कंबशन के कारण एनर्जी बहुत कम है, हीट ऑफ कंबशन कम हो जाती है, हीट ऑफ कंबशन हो जाने के कारण यह अपना जो फंक्शनल ग्रुप है ओरिजिनल कौन सा, ईथर एमीन और सल्फाइड, उनकी रिएक्शन से उनकी प्रॉपर्टी को शो ना करते हुए ये एरोमेटिक करेक्टर को शो करने लग जाता है। अब एरोमेटिक करेक्टर शो करने का एक रीजन तो हम लोगों ने ये देख लिया, क्या था, हीट ऑफ कंबशन यानी कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। अब मैं बात करूं ब्यूटाडाइन की, एक और लिख देता हूं इसमें ब्यूटाडाइन। इस ब्यूटाडाइन की जो एनर्जी होती है 4 किलो कैलोरी पर मोल होती है, बहुत कम होती है। तो इन तीनों की जो हीट ऑफ कंबशन है या रेजोनेंस एनर्जी है वो इन दोनों के बीच में पाई जाती है कि नहीं, 36 और 4 के बीच में। इसलिए इनकी जो रिएक्टिविटी है या इनका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक करेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। पहला रीजन तो ये, एक और रीजन है इसका एरोमेटिक करेक्टरिस्टिक्स होने का, वो आता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है बीएससी फर्स्ट ईयर में, सेक्सेट थ्योरी और हकल रूल, उसकी तरफ चलो। जैसे मैंने लिखा बेंजीन, तो बेंजीन में लिखता हूं तो प्रत्येक कार्बन पर यानी ईच कार्बन कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन्स, प्रत्येक कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरीके मैं जा रहा हूं फ्यूरेन के पास, एक दो तीन और चार, यहां क्या है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 और 6, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा चौथा पांचवा और छठा। मैं जा रहा हूं पायरोल के पास में, एन और एच, 1 2 3 4, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 2 और 5, कितना इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 और 5। नेक्स्ट थायोफीन, सल्फर एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16, 2 8 6, वापस 1 2 3 4 5 और 6, 6 इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन कहां है, एक एक कार्बन पर। तो हमने जो बनाया ये तो फ्यूरेन, ठीक है, ये पायरोल और ये थायोफ्यूरेन, ये क्या है बेंजीन। अब हम लोग जानते हैं सबसे बेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होता है, तो बेंजीन सबसे एरोमेटिक करेक्टर्स में पाया जाता है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन की बात करें, और मैं बात कर रहा हूं अब एक और थ्योरी की, वो है हकल रूल, क्या होता है 4n+2π इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एन मीन्स नंबर ऑफ रिंग, सब रिंग कितनी एक एक ही है ना, रिंग कितनी 1 2 3 4, सब एक एक रिंग है, सबके लिए एक ही रूल है, 4+1, एन मतलब 1+2, टोटल कितना हो गया 6π इलेक्ट्रॉन। क्या सभी के अंदर 6π इलेक्ट्रॉन है, देख इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, सभी में 6 1 2 3 4 5, इसमें भी। अब इनमें जो दो दो इलेक्ट्रॉन किसके कारण है, इन हिट्रो एटम के कारण दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और इन हिट्रो एटम या विषम परमाणु के कारण ही ये क्या करता है, एरोमेटिक करेक्टर को शो करने लगता है। पर इनके जो एरोमेटिक करेक्टर होते हैं वो बेंजीन से लेस होते हैं, बस इतना सा। पर एरोमेटिक करेक्टर क्या करेंगे, सभी शो करेंगे, ठीक है। अब होता क्या है, क्या इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन की एक जगह बैठ सकता है क्या, नहीं बैठ सकता, कौन सी टेंडेंसी है उसकी, सर्कुलेट होने की टेंडेंसी, घूमने की टेंडेंसी। तो ये बेंजीन क्या करता है, इस बेंजीन के जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो एक एक कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में इस तरीके से मिलता है, तो बेंजीन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर बेंजीन को कैसे लिख सकते हैं, एक और तरीके से लिख सकते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन बेंजीन के पास में, मतलब एक एक कार्बन, ये आपस में क्या होंगे, तो बेंजीन को हम कैसे लिखते हैं,
इसी तरीके से इन तीनों स्ट्रक्चर को भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? या तो यू लिखा जाता है, ठीक है, या फिर इस तरीके से इसको ऐसे लिखो, या फिर ऐसे लिखो। या तो आप इसमें डबल बॉन्ड बना के बता सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनों को एक सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट कर, ठीक है। इस कारण से क्या करता है, अपना रेजोनेटिंग करेक्टर को शो करता है। अब एक और वर्ड आ रहा है इसके अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर, आणविक कक्षक चित्र, उसकी तरफ चलते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है, उसी के बेस पर है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, ऐसे कुछ बात कहती है। उसी तरीके का हम कॉन्सेप्ट यहां पर देख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग हमने तीन देखी, थायोपीन, पायरोल और फ्यूरेन, तीनों के अंदर नंबर्स ऑफ कार्बन कितने हैं? 5। तो मैंने 1, 2, 3, 4 कार्बन, 4 कार्बन है ना। 4 कार्बन के अलावा एक और एटम है जिसको हम बोलते हैं हिट्रो एटम, इसको मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास खाली है, जब खाली है और यहां पर क्या है, एक एक हाइड्रोजन, ऐसी कुछ कंडीशन है, ठीक। अब जब एक एक हाइड्रोजन है तो यहां पर बॉन्ड देखे कितने होंगे, 1, 2 और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक यहां पर है, ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, पाई बॉन्ड। और एक बात हम कहते हैं, पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये जो पाई बॉन्ड या जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया, ये इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, तो बोलते हैं कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ये सब कुछ होता है। एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो 1s2, 2s1 और 2p3, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया, ये वाला, इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग हो गई, ये वाली, और इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग हो गई, ये वाली। ये इलेक्ट्रॉन खाली बचा हुआ है, कौन सा शेल है, पी सब शेल है। पी को कैसा बनाया जाता है, डंबल के जैसा, कमियां बना देते हैं। तो सभी कार्बन पर एक एक पी सब शेल है, ये बताए। तो इसके पास भी तो पी सब शेल है, तो इसके पास भी क्या हो गया, एक पी सब शेल। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, कौन सी ओवरलैपिंग होगी, ये भी पी है और ये भी पी, तो पी पी ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। पी पी में कौन सी होगी, एक तो कोएक्शियल होती, एक साइडवाइज होती। तो यदि कोएक्शियल होगी तो इस तरीके से होती है, और साइडवाइज होगी तो इस तरीके से होगी। यहां तो साइडवाइज ओवरलैपिंग होगी, इस तरीके से हो गई, नीचे वाले लोग मिलाना, ये बन गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर, बना लो इसको, यहां से बनाना कैसे बोले। ये हमने जो डायग्राम बनाया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, ऑन द बेसिस ऑफ पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग के आधार पर आणविक कक्षक चित्र बनाया हुआ, किसका, पायरोल, फ्यूरेन और थायोफीन का। इसको बना लो, फिर आगे हम इसमें देखते हैं। रेजोनेंस की बात जब होती है तो क्या होता है, उसमें रेजोनेंस में लाइट आती है, इट इज अ डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स,
हिंदी में बोले तो पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्तानीकरण, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, तो लोकलाइज्ड और एक डीलोकलाइज्ड, स्थानीकृत और अस्थानीकृत। तो स्थानीकृत मतलब कि उसी जगह के जो अपनी पोजीशन या अपने प्लेस को चेंज नहीं करें, और डीलोकलाइज मतलब जो अपने प्लेस को बदल लें। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। अब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा उसको भी हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमने सपोज एक्स ले लिया, एक्स मतलब ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है और नाइट्रोजन भी। इस तरीके से हमने यहां पर डबल बॉन्ड बनाया, और हम लोग जानते हैं कि एक्स के पास में क्या है, लोन पेयर है। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होता है कि इट इज अ चेंज लोन पेयर टू बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर। एकांक इलेक्ट्रॉन युग्मों का बंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों में परिवर्तन और बंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों का एकांक इलेक्ट्रॉन युग्मों में परिवर्तन, उसको रेजोनेंस कहा जाता है अनुनाद के। देखो क्या होता है, सबसे पहले ये आपको लोन पेयर दिखाई देता, ये कन्वर्ट हो जाता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हो जाता है लोन पेयर। क्या स्ट्रक्चर बन सकता है तो देख लेते हैं। यहां पर तो दिया एक्स, यहां पर एक नया बॉन्ड बन गया, ये पुराना बॉन्ड है, यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज विद लोन पेयर। ये दो डॉट जो दिख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका है और दूसरा इसका, दोनों अलग अलग कार्बन। फिर आगे चलते हैं, ये लोन पेयर कन्वर्ट हुआ बॉन्ड पेयर में, ठीक है, और ये बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हुआ लोन पेयर। एक्स ये पुराना बॉन्ड है, ये नया बना विद लोन पेयर। आगे चलते, लोन पेयर कन्वर्ट हुआ बॉन्ड पेयर में, फिर बॉन्ड पेयर कन्वर्ट हुआ लोन पेयर, कन्वर्जन चलता रहेगा। फिर आगे ये आएगा इधर और ये आएगा, ये ऐसी कंडीशन कंटिन्यू लाइन लगातार चलती है। अब एक्स पे कितने थे, लोन पेयर थे, इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई ना, तो एक्स पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। एक्स मतलब ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन। इस तरीके के स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं। अब आप देखेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां कहां पर आया, तो सभी पोजिशन पर आ गया, जहां जहां कार्बन था सभी तो नेगेटिव चार्ज आया, ठीक है, एक तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, दूसरा यहाँ पर आ गया, तीसरा इधर आ गया, चौथा, तो जितने भी चारों कार्बन पर एक एक बार नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब हम एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर ही समझ जाते हैं। हम चाहते थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो पूरी पीरियोडिक टेबल में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन, ठीक है, उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का, उसके बाद नंबर आता है नाइट्रोजन का, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ राइट टू लेफ्ट लिख रहा हूँ, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, उसके बाद कार्बन का, ये सब कुछ चलता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया, ऑक्सीजन, उसके बाद कौन है, नाइट्रोजन, उसके बाद कौन हो जाएगा, सल्फर। तो विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किसकी है, ऑक्सीजन की। इसका मतलब क्या हो गया, फ्यूरेन सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, यानी फ्यूरेन लेस एरोमेटिक होगा। मैं लैंग्वेज बदल रहा हूं फिर थोड़ी देर, फ्यूरेन सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा, पर फ्यूरेन क्या होगा, लेस एरोमेटिक होगा, जिसकी एरोमेटिकता कम होगी, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर जितनी ज्यादा होगी उसका एरोमेटिक करेक्टर उतना ही कम होता है। तो जहां पर ऑक्सीजन होगा फ्यूरेन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर ज्यादा हो जाने के कारण ऑक्सीजन के फ्यूरेन का एरोमेटिक करेक्टर कम हो जाता है। फ्यूरेन के बाद नेक्स्ट एरोमेटिक करेक्टर किसका होगा, थोड़ा सा ज्यादा पायरोल का,
उससे ज्यादा किसका होगा? थायोफिन का। और सबसे ज्यादा किसका होगा? बेंजीन का, कि बेंजीन में तो कार्बन है, ठीक है ना, ये कारण है इसका। अब चलते इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे ज्यादा शो करेगा पायरोल, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पायरोल शो करेगा। उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा हूं, फिर फ्यूरेन, फिर थायोफिन और फिर बेंजीन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही तो इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके कारण पता करते हैं कि कौन एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। अगली क्लास में पढ़ेंगे फ्यूरेन की प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी केमिकल रिएक्शन और उसका रेजोनेटिंग स्टेट।